इस मसले की जानकारी जब छत्तीसगढ़ पुलिस को हुई तो लगातार पुलिस महादेव ऐप के माध्यम से कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। बहरहाल कार्रवाई की आंच जब उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ी और छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक टीम ने अपराधियों को गिरफ्तार किया तो उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस ने उल्टा छत्तीसगढ़ की पुलिस को अपहरणकर्ता करार दे दिया। बहरहाल इस मसले पर अब छत्तीसगढ़ में राजनीति कहां थमने वाली है। छत्तीसगढ़ पुलिस अब तक 98 आरोपियों पर कार्रवाई कर चुकी है। पुलिस अन्वेषण में पता चला कि महादेव ऐप संचालन का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने नोएडा में 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया तब उत्तर प्रदेश पुलिस सहयोग करने के बजाय अपराधियों के बचाव में उतर आई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने जाने की आमद सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसकी जानकारी में था कि छत्तीसगढ़ पुलिस इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ने के लिए नोएडा आई हुई है। कि महादेव ऐप एक संगठित गिरोह है जो कि इस देश के बाहर दुबई से संचालित होता है। सुनाम धने मूर्त जी, क्या अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ईडी ऑफिस जाएंगे जांच की मांग को लेकर? उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर धारा 365 के तहत अपहरण का अपराध दर्ज कर लिया। प्रदेश में इस मसले पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। प्रदेश के मुखिया का इस पर बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मसले पर भी भाजपा दोहरा चरित्र अपना रही है। हमने जुआ सट्टा पर कानून बनाया लेकिन भारत सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस दुमही चरित्र जो है वो सामने आ गया है। पिछले समय जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो चिटफंड कंपनियां खूब आई, और जब एप पे कार्रवाई हुई और हमने भारत सरकार से को पत्र लिखा कि इसमें एक राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनना चाहिए, तो उन्होंने बनाने से इनकार कर दिया। हमने बनाया जो सट्टा का कानून, उसे कड़ा किया, लेकिन भारत सरकार ने इस प्रकार से कोई निर्णय नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर इस मसले पर भाजपा ने सीधे राज्य सरकार को ही आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस पर संरक्षण का आरोप लगाते हुए भाजपा का कहना है कि दूसरे प्रदेश में अगर कार्रवाई करने जाते हैं तो वहां भी सहयोग देना चाहिए। किसी भी प्रदेश में जाए तो मुझे लगता है कि उस प्रदेश को सूचना देनी चाहिए और सूचना देने के बाद में उनसे सहयोग भी लेनी चाहिए। यदि वास्तविक में नियत है उनको पकड़ने की, सट्टा समाप्त करने की, तो तत्काल गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। प्रदेश में जुआ सट्टा जैसे अपराधों में कमी लाई जा सके इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने जुआ सट्टा को लेकर कानून लाया है। हालांकि अब तक इस कानून को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई सहमति नहीं बन पाई है। बहरहाल इस मसले पर भी प्रदेश में अब राजनीति देखी जा सकती है। ऐप बनाकर सट्टा खिला